ये 5 किलो की सेटिंग है, मैंने इसमें कोशिश की कम से कम क्वांटिटी दिखाऊं। इसके अंदर मैं बाजरा ले रहा हूँ 1.5 किलो, मोटी कंगनी है ये भी 1.5 किलो इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक पाव में जई ले रहा हूँ, एक पाव में भंग के बीज इस्तेमाल कर रहा हूँ, डेरी सीड में ले रहा हूँ 1 पाव, लाल चावल भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 1 पाव, बारीक पीली कंगनी ये मैं ले रहा हूँ 1 पाव। मैं क्योंकि ये लबट का बना रहा हूँ इसलिए मैं 1 पाव इसमें खुरसम डाल रहा हूँ, लाल कंगनी घी में डाल रहा हूँ 1 पाव, काले बीज में डाल रहा हूँ 1 पाव। तब इस पर मैंने लिया झींगे का पाउडर, ये मैंने लिया है 50 रुपए का, ये 5 चम्मच मैंने लिए हुए हैं। 50 रुपए का फ्रिज ऑयल है, खुला हुआ इस्तेमाल करता हूँ, पैकेट ये है वो, इन चक्करों में नहीं जाता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनाए बच्चों खुश आमदीद। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि तारिक भाई ब्रीडिंग सीजन का भी आगाज हो गया, सर्दियां भी शुरू हो गई, लेकिन आपने अभी तक विंटर मिक्स सीड नहीं बताई। तो उसकी वजह ये थी कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, और मैंने ये आपको ये सारी चीजें दिखाऊंगा, और बल्कि अब मैंने ऐसा किया है कि बहुत मैंने आपके लिए ईजी कर दिया है। मतलब मैंने ये किया है कि लोग पूछते रहते थे इसकी क्वांटिटी क्या है, कैसे है, इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, ताकि अगर आप इसका मतलब वीडियो में नजर आ रहा होगा कि ये क्या चीज कितनी क्वांटिटी में प्लस मुझे क्या पर केजी के हिसाब से पड़ता है, ये तमाम डिटेल इसमें होगी, ताकि अगर आप किसी दुकान से लेना चाहें या जिस दुकान से मैंने लिया उसका मैं नाम नंबर डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, ताकि आपको ईजी हो। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा बताना शुरू करता हूँ कि मैंने किस तरह बनाया। इसके अंदर जो है ना, ये 5 किलो की सेटिंग है, मैंने इसमें कोशिश की कम से कम क्वांटिटी दिखाऊं, ताकि लोग परेशान होते हैं कि भाई ज्यादा क्वांटिटी हम दिखा देते हैं हमारा बर्ड कम है। तो मैंने 5 किलो की क्वांटिटी दिखाई है। इसके अंदर मैं बाजरा ले रहा हूँ 1.5 किलो, 1.5 किलो, 1.5 किलो मैं बाजरा इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मोटी कंगनी है ये भी 1.5 किलो इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, दो चीजें मैं 1.5 किलो इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक बाजरा, 1.5 किलो पिंच मार का बारीक, और कंगनी भी 1.5 किलो मोटी वाली। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सब चीजें मैं 1 पाव ले रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ। 1 पाव में ले रहा हूँ जई, 1 पाव में जई ले रहा हूँ, 1 पाव जो मैं ले रहा हूँ अपना भंग के बीज, 1 पाव में भंग के बीज इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अलावा जो कनेरी सीड, कनेरी सीड भी मैं ब्रीडिंग सीजन में डालता हूँ, तो कनेरी सीड में ले रहा हूँ 1 पाव। इसके बाद लाल चावल है, लाल चावल भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 1 पाव। फिर मैं ले रहा हूँ बारीक पीली कंगनी, बारीक पीली कंगनी ये मैं ले रहा हूँ 1 पाव। इसके बाद मैं ले रहा हूँ खुरतम, अगर आपके लबस नहीं है, अगर आपके बजरी ओग्रोमो है, तो आप खुरतम की जगह 1 पाव कोई और चीज डाल सकते हैं, जैसे बाजरा डाल सकते हैं या कंगनी डाल सकते हैं। मैं क्योंकि ये लबस का बना रहा हूँ इसलिए मैं 1 पाव से खुरतम डाल रहा हूँ। लाल कंगनी चाहे आप बारीक इस्तेमाल करें चाहे मोटी इस्तेमाल करें, ये भी मैं डाल रहा हूँ 1 पाव। इसके बाद मैं काले बीज इस्तेमाल कर रहा हूँ, काले बीज में डाल रहा हूँ 1 पाव। तमाम चीजें 1-1 पाव डली होंगी। ठीक है, बाद ना मैं झींगा इस्तेमाल करता हूँ सर्दी में सिर्फ, लेकिन ये दिसंबर और जनवरी में इस्तेमाल करता हूँ, फरवरी में मैं इस्तेमाल नहीं करता। या तो मैं झींगा इस्तेमाल करता हूँ या झींगे का पाउडर इस्तेमाल करता हूँ। इस पर मैंने लिया झींगे का पाउडर, ये मैंने लिया है 50 रुपए का। ठीक है, झींगा पाउडर मैंने डाल दिया। अब तमाम चीजों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर रहा हूँ, बल्कि अगर अगर इसके साथ साथ मैंने फिश ऑयल लिया है, फिश ऑयल में खुला इस्तेमाल करता हूँ, और ये यूँ समझे कि 5 चम्मच है, 5 चम्मच मतलब 1 किलो में 1 चम्मच डलेगा। ये 5 चम्मच मैंने लिए हुए हैं, 50 रुपए का फिश ऑयल है, खुला हुआ इस्तेमाल करता हूँ, पैकेट ये वो, इन चक्करों में नहीं जाता। ये 12 मसाले तैयार हो गए, और अब जो अब मैं मिक्सिंग कर रहा हूँ, मैं आपको मिक्सिंग करके दिखाता हूँ। ये ब्रीडिंग सीजन का दाना है, और ये मैं इस्तेमाल करता हूँ दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक भी इस्तेमाल करता हूँ। बट फरवरी में ऐसा करता हूँ कि फरवरी में इसके अंदर से जो झींगा वगैरह होता है ये निकाल देता हूँ,
झींगा सिर्फ दिसंबर और जनवरी और फरवरी में से फिश ऑयल भी निकाल देता हूँ, लेकिन दिसंबर और जनवरी में ये तमाम चीजें देता हूँ। देखिए अभी ये दाना मिक्स हो गया है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ दाने में कैसी चमक आ गई है और कितना व्हाइट दाना है। इसमें मैंने बाजरे की क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलो और बाकी तमाम चीजें मैंने डाली है। बाजरा समझे कि लवबर्ड बहुत कम खाता है। ब्रीडिंग सीजन में आप अच्छा दाना खिलाएं ताकि आपके पास अच्छी प्रोग्रेस आए। दाना मेरा बिल्कुल रेडी हो गया। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तारिक भाई आप जो दाने की जल्दी जल्दी बता देते हैं, कोई चीज आप भूल जाते हैं तो फिर हम कैसे करें, तो भाई उन सब का हल है। इसका मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा ताकि आपको पता चल जाएगा कि भाई दाना किस क्वांटिटी से मैं बना रहा हूँ। और लोग पूछते रहते हैं तारिक भाई आप बता रहे हैं कि दाना हमें इतने का मिल गया इतने का नहीं मिला, तो भाई मैंने उसके सबका रेशो लिख दिया और ये कोई ये महीना भर पहले की बात नहीं है, 2 दिन पहले मैंने ये दाना लिया था। अब मेरे पास जैसे ही टाइम मिला मैं बनाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि लोग हम जब हम पे ट्रस्ट करते हैं, अच्छी चीज लेना चाहते हैं, तो हम भी लोगों को अच्छी चीज दिखाते हैं। नहीं, ब्रीडिंग सीजन में ना 3 चीजें बहुत अहम होती है। पहली चीज तो ये होती है कि हमें बर्ड्स को सर्दी से बचाना है, क्योंकि अगर हमारा बर्ड महफूज रहेगा तो ही वो अच्छी ब्रीड कर सकता है। फिर सेकेंड नंबर पे ये होता है कि वो अच्छी ब्रीड करे, अच्छे अंडे दे, बच्चे ज्यादा निकाले। फिर तीसरी चीज ये होती है कि जो बच्चे निकल रहे हैं वो बच्चे लाभिंग ना हो, वो बच्चे कमजोर ना हो, बच्चे हेल्दी हो। तो ये तमाम चीजें अच्छे दाने से होती है। अगर आप परिंदे को मैं देखता हूँ कि जब मेरे पास दाना बच जाता है ना, जब मैं हम तो फीड के लिए ना मशीन पे सफाई करते हैं, तो जब बच जाता है, अभी तो ये मैंने ताजा दाना डाला हुआ है, बट अगर मेरे पास दाना जब बच जाता है तो होता ये है कि दाने के अंदर जो मैं देखता हूँ कि दाने के अंदर बचता क्या है, तो दाने के अंदर मैक्सिमम जो होता है वो बाजरा बच जाता है, बाकी सब चीज परिंदा उठा लेता है, लाल चावल, काला घी, जई सब उठा लेता है। तो हम ब्रीडिंग सीजन में ऐसा दाना देते हैं जो बर्ड शौक से उठाए। अगर आप सस्ते दाने के चक्कर में बाजरे का रेशो ज्यादा कर देंगे तो फिर वो परिंदा उसको उठाएगा नहीं, खाएगा नहीं, तो नुकसान होगा। लेकिन मैंने कम से कम रेट में, अब मैं क्या करूँ भाई, मतलब ये है कि महंगाई ने सबकी कमर तोड़ी हुई है और इतना महंगा दाना हो गया है कि अब हम क्या करें। हमने कम से कम उसमें करके भी ये दाना मुझे 200 रुपये पर केजी के हिसाब से बढ़ रहा है। तो मेरी कोशिश तो होती है सस्ती चीज दिखाना, लेकिन अब हम मार्केट को क्या करें, ये चीज हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमने फिर भी अपने बजट को रहते हुए कम से कम करते 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 उसको मुनासिब किया है ताकि आप लोग भी इस्तेमाल करें। और अगर जिसके पास लवर्स नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं अपने जो मेरे पास एक ओग्रोमो का जोड़ा ये पड़ा हुआ है, मैं उसको भी यही दाना खिलाता हूँ, उसके अंदर खुरतम भी है, इसके अंदर सब चीज है। अगर ये नहीं खाता तो बाद में हम लवर्स को दे देते, इसके लिए मैं अलग से दाना नहीं देता। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये तमाम इन्फॉर्मेशन, ये तमाम बातें आपके लिए होती है और जो चीज मैं खुद इम्प्लीमेंट करता हूँ वो मैं अपने व्यूवर्स को बताता हूँ ताकि उनको भी फायदा हो। लेकिन लोगों की जो कंप्लेंट थी कि तारिक भाई ये वीडियो बहुत लेट हो गया, हाँ वीडियो तो लेट हो गई, दिसंबर की 1 तारीख को आनी थी बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल को देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।